शादी मुबारक के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरह से आप सभी को बता दें कि केटी और प्रीति बहुत ही ज्यादा नजदीक जाने वाले हैं क्योंकि दोनों का विवाह हो चुका है और वो नंदनी को पूरी तरह से धोखा देना चाहते हैं। यानी कि आप सभी को बता दें कि 17 साल बाद नंदनी केटी के जीवन में दोबारा लौटना चाहती है और उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, लेकिन अभी तक वो मकसद सामने नहीं आया है। आखिरकार जब सामने आएगा तो केटी किस तरह से टूट कर बिखर जाएगा, ये देखना हर फैंस नहीं चाहता। और आपको बता दें कि किस तरह से अब केटी और प्रीति दोनों नजदीकियां बढ़ाकर अपने पानी में आग लगाते हुए नजर आने वाले हैं और नंदनी जब ये सब कुछ देखेगी तो वह हैरान रह जाएगी और कहानी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आने वाली है। आखिरकार आपको बता दें कि किस तरह से नंदनी जब केटी और प्रीति को इतने नजदीक देखेगी तो वो भी हैरान रह जाएगी क्योंकि उसे यही लगता है कि केटी नंदनी के नहीं बल्कि प्रीति के बिल्कुल भी क्लोज नहीं जाता। आखिरकार वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अर्जुन के बहाना बनाकर कहीं ना कहीं केटी को अपने दिल में और केटी के दिल में अपने आप को समाये रखना चाहती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।